Welcome to Housewife Kitchen. Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी और मसालेदार बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। मैं चिकन से बनाऊँगी बिरयानी। और ये देखिए, मैंने सेला चावल लिए थे। ये मैंने 700 ग्राम चावल लिए हैं। इसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश करा, फिर इसको पानी में भिगो दिया। ये देखिए, एक पतीले में मैंने 1.5 कप तेल डाल लिया है। मैंने बड़ा पतीला लिया है ताकि मैं इसमें ही बिरयानी दम पे लगा दूँगी। तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। और ये देखिए, मैंने 400 ग्राम प्याज ली थी। प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तेल गर्म हो गया, मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को आप बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करें, वरना फिर बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ना ही एकदम लाइट ब्राउन करना है, ना डार्क, बस मीडियम। बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, इतना प्याज को ब्राउन कर लें। ये देखिए, प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। इसको प्लेट में निकाल लिया है। देखिए, बस इस तरह से हमें प्याज ब्राउन करनी है। अब मैंने खड़े मसाले लिए हैं। देखिए, इसमें दालचीनी है, काली मिर्च, जीरा, लौंग और ये 4 हरी इलायची हैं और 1 बड़ी इलायची। अब मैं ये तेल में डाल दूँगी। वही तेल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करी थी। इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे, उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, ये इसमें डाल दूँगी। अदरक लहसुन को भी हमने फ्राई कर लिया अच्छे से। और ये देखिए, मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये 300 ग्राम टमाटर थे। आप भी इसी तरह टमाटर को काट लें। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। अब टमाटर डालें तो नमक तो डलेगा ही, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाए। 1 टेबल स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम गल जाते हैं। चलिए, हम इसको मिक्स कर देंगे और टमाटर को गलने देंगे। ये देखिए, टमाटर अच्छे से गल गए और एकदम सॉफ्ट हो गए। देखिए, इस तरह से आप भी टमाटर को डालें। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। ये मैंने 250 ग्राम दही ली है। अब दही को इसमें डाल देंगे चिकन में। और ये 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई हरी मिर्च ली है, ये इसमें मैं डाल दूँगी। ये मैंने 12 हरी मिर्चें दी थी, इसको कूट लिया है। 1 छोटा चम्मच में इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इसमें हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए लाल मिर्च थोड़ी कम ही डाल रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून में इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत चटपटी है चिकन बिरयानी बनने वाली है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, जो मैंने प्याज ब्राउन करी थी, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज मैं रोक लूँगी, इसको हम ऊपर से डालेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी प्याज रोक दी है। एक मैंने छोटा नींबू ले लिया, मैं इसमें नींबू का रस डाल दूँगी। इससे हमारी बिरयानी बहुत ही चटपटी और बहुत चटकारेदार बनेगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बिरयानी का मसाला बनकर तैयार हो रहा है। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि चिकन पानी छोड़ता है। तो 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के पका लेंगे चिकन को, ताकि चिकन थोड़ा सा गल जाए। ये देखिए, चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी। इसमें मैंने 1 कटोरी हरा धनिया डाला है। हरे धनिया से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बिरयानी में। इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए और पका लेंगे ढककर। ये देखिए, चिकन इतना हमारा पक रहा है। इतने मैंने अपना चावलों का पानी रख दिया बॉईल करने के लिए। अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। 4 से 5 काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा डाला है और दालचीनी लकड़ी डाली। 2 पत्ते डाल दूँगी इसमें, तेज पत्ते। देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। अब पानी को हम बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल हो जाएगा, फिर इसमें चावल डालेंगे। पानी बॉईल हो चुका है, मैं इसमें चावल डाल दूँगी। देखिए, मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब चावलों को हम 80% तक बॉईल करेंगे। ये देखिए, चावल को मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिए। बॉईल हो गए थे चावल। और मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें मैंने नमक भी डाला था पानी में। पानी बॉईल करते टाइम 2 बड़े चम्मच नमक डाला था। ये देखिए चिकन भी हमारा पक चुका है। चलिए अब हम बिरयानी की तय लगा लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें चावल डालूँगी। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए। आधा छोटा चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर डाल रही हूँ, इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये देखिए जो ब्राउन प्याज मैंने रोक ली थी ये प्याज डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया डाल दिया मैंने। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। देखिए ऑरेंज फूड कलर डालूँगी, थोड़ा सा मैं ग्रीन फूड कलर डालूँगी। चलिए अब हम ढककर इसको बिरयानी को 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। बिरयानी को मैंने दम पे लगा दिया है। चलिए अब हम रायता बना लेते हैं। बिरयानी के साथ खाने के लिए दही का रायता बनाऊंगी मैं। ये देखिए इसके लिए मैंने दही लिए 200 ग्राम। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालूंगी और नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच। ये देखिए इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी, उसको बारीक काट लिया है। एक छोटा सा टमाटर लिया था, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और 2 हरी मिर्चें ली थी, हरी मिर्च को भी मैंने एकदम बारीक काटा है। अब ये तीनों चीज़ें हम दही में डाल देंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जब भी बिरयानी बनाएं तो साथ में रायता ज़रूर बनाएं, इससे बिरयानी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए कितनी जल्दी और कितना मज़ेदार सा हमारा रायता बन गया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। हमारी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी थी चिकन मसाला बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार थी चिकन दम बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और साथ में मैंने बहुत ही मज़ेदार सा रायता बनाया है। ये बिरयानी आप ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए चिकन की बहुत ही इजी रेसिपी बनाने वाली हूँ। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है, 150 ग्राम दही और ये मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज मिक्सर में पीस लिए और 2 बड़े टमाटर बारीक बारीक कट कर लिए। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी और इसमें क्या क्या डालेगा। एक पतीली में मैंने 1 कप छोटा वाला कप ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है, मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। आप जो भी तेल यूज़ करती हैं आप वो ले लें। अब इसमें हम ये थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। 3-4 लौंग ली हैं, काली मिर्चें 5-6, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। इसको हम ऑयल में डाल देंगे। ये प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ आप इसको 2 मिनट फ्राई कर लें, भून लें। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आप फटाफट से ये रेसिपी बना लें। ये देखिए प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। 2 टमाटर मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे, बड़े साइज के। देखिए टमाटर के साथ आप 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दें। नमक से ये होता है कि टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। देखिए अब हम टमाटर को 5 मिनट तक पकने देंगे। आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखिए 2 मिनट में ही टमाटर पूरी तरह गल गए हैं और इनका पेस्ट बन गया। देखिए अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही पका लें। 2 मिनट के बाद मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड करूँगी। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अदरक लहसुन के साथ इसको हमने अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्चें डालें। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और ये 1 चम्मच सौंफ, जीरा, धनिया, इन तीनों को मैंने मिक्स करके पीस लिया था। ये 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी। नमक हमने टमाटर के साथ डाल दिया था, इसलिए अब अभी हम नमक नहीं डालेंगे। कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे सालन का। पाउडर मसाले डालकर आप इसको अच्छे से बस 1 मिनट ही भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि जब हम चिकन गलाएंगे उसके साथ भी मसाले पक जाएंगे हमारे। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। ये मैंने 150 ग्राम दही ली है। दही डालने के बाद कितना अच्छा कलर आ गया इसका। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है और इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल गई है। अगर आप ये चिकन बनाएंगे तो सबकी तारीफें पाएंगे। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए माशाल्लाह से अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको भून लेंगे दही के साथ थोड़ी देर, फिर इसमें पानी डालकर इसको चिकन को हम गला लेंगे। ये चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 मिनट में चिकन गल जाता है हमारा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है अभी से इसकी, और बनने के बाद तो ये और भी अच्छा लगने वाला है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और चिकन को गलने के लिए रख दूँगी। ये मैंने बस 1 कप ही पानी डाला है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। पानी डालकर इसको ढक देंगे। चिकन हमारा कितना अच्छे से गल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन हमारा कितना अच्छे से गल चुका है। माशाल्लाह से हमारा सालन बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ये देखिए मैं MDH की कसूरी मेथी यूज़ करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन सी यूज़ करते हैं। सालन हमारा बिल्कुल पककर तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालेंगे बारीक बारीक कट करके। देखिए हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने अदरक बारीक बारीक कट कर ली है। ये देखिए अब हमारा सालन बनकर तैयार है। इतनी जल्दी ये सालन बन गया है। आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं तो आप फटाफट ये सालन बना सकती हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। बहुत ही डिलीशियस चिकन का सालन तैयार हुआ है हमारा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब। ये देखिए इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। ये मैंने 100 ग्राम चने की दाल ली थी, इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था पानी में। और 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच सौंफ, और 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है। ये देखिए मैंने 5 सूखे लाल मिर्च लिए हैं, 2 से 3 पत्ते और ये खड़े मसाले लिए हैं और ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं। चलिए जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले हम कीमा डालेंगे पतीली में, सारे मसाले डाल देंगे। देखिए मैं इसमें दाल भी डाल दूँगी, दाल और कीमा हमारा एक साथ ही गल जाएगा। 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये देखिए 2 चम्मच। 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। ये देखिए आधा छोटे चम्मच में इसमें हल्दी डाल रही हूँ, इससे हमारे शामी कबाब में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी इतना डाल दें कि हमारा दाल और कीमा दोनों अच्छे से गल जाएँ। अगर आप प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो ये 4 से 5 सीटियों में गल जाएगा, और अगर आप ऐसे ही मेरी तरह पतीली में बनाएंगे तो इसको 25 मिनट लगेंगे गलने में। ये देखिए इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। मैं इसको गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, 20 से 25 मिनट में ये गलेगा। जब ये कीमा और दाल गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा कीमा और दाल अच्छे से गल गए। इसको मैंने 20 से 25 मिनट तक पका लिया था। अब मैं इसमें से मोटे मसाले हटा दूंगी। ये देखिए थोड़ा ठंडा भी हो गया। मैं इसको एक मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड करूँगी। इसके साथ हम 2 ब्रेड के स्लाइस भी डाल देंगे और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे कीमे के साथ ही। कीमे को पीस लिया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च और प्याज डाल दूँगी। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसे बारीक बारीक काट लिया था। ये 3 हरी मिर्चें ली थी, इसको भी बारीक बारीक काट लिया। थोड़ा सा इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, आधा छोटा चम्मच। ये देखिए, और ये देखिए इसमें मैं एक अंडा डाल रही हूँ। अगर आप अंडा नहीं खाते तो मत डालिए, वैसे अंडा डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं कबाब। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। आप जितने भी बड़े बनाना चाहें उतने बड़े बना लें। ये देखिए इस तरह से ये देखिए सारे कबाब हमारे बन गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए शामी कबाब को फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो आप इसको पलट लें और दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए हमारे कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। मुझे जितने खाने थे मैंने उतने ही फ्राई कर लिए, बाकी मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर दिए। ये देखिए आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार के कबाब बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये खीर बहुत ही अलग तरीके से बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने देखिए ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। ये मैंने 4 ब्रेड लिए थे, इसको मैंने मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड कर लिया। 4 ब्रेड के स्लाइस लिए थे और उसके किनारे हटा दिए थे, ये देखिए। और 2 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ये देखिए। और 2 चम्मच मैंने सूजी ली है, 2 टेबल स्पून सूजी है ये। और 10 से 12 काजू लिए थे, मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। ये चीनी ली है मैंने 1 कटोरी, आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। चलिए जल्दी से बना लेते हैं। और ये देखिए ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। चलिए हमारा दूध बॉईल होता है, इतने हम दूसरा काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें सूजी डाल देंगे। देखिए इसमें मैंने सूजी डाल दी है, अब मैं इसमें काजू भी डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बनती है खीर की। काजू मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूँगी, देखिए। ये मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। हम इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल देंगे। अब मैं इसमें 1 कप दूध डालूँगी, ये ठंडा दूध है। 1 कप में इसमें ठंडा दूध डालूँगी और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें 1 कप ठंडा दूध डाल दिया, मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बन गया। देखिए ये देखिए दूध हमारा बॉयल हो चुका है, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम सारा नहीं डालेंगे, इसको चलाते रहेंगे। अगर आप हाथ रोकेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए पेस्ट डालें तो इसको लगातार चलाते रहें। ये देखिए 1 मिनट भी आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें, उसमें मिक्स करते रहें। ये देखिए सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको आप जब तक इसमें बॉईल नहीं आएगा आप इसको चलाते ही रहेंगे, हाथ नहीं उठना चाहिए। हाथ रोकेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए खीर में बॉईल आ चुका है, दूध में हमारे बॉईल आ गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1 कटोरी मैंने चीनी ली थी, आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे इसमें दोबारा से बॉईल आने देंगे और इसको चलाते रहेंगे। बहुत जल्दी और बहुत ही मज़ेदार हमारी रबड़ी वाली खीर बनकर तैयार हो जाएगी। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए चीनी डाल दी थी मैंने इसमें, अब बॉयल आ चुका है देखिए, और हमारी खीर थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। देखिए अब मैं इसमें 1 चुटकी फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑरेंज फूड कलर है, ये बस मैं 1 चुटकी डालूँगी। कलर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये देखिए आधा चम्मच मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये देखिए अब लगातार चलाते हुए हम 10 मिनट और पका लेंगे। 10 मिनट में हमारी खीर बहुत गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए इसको चलाते हुए हम 10 मिनट तक और पका लेते हैं। देखिए खीर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए खीर कितनी गाढ़ी हो गई है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। जब हमारी खीर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसे हम सर्व करेंगे। खीर हमारी ठंडी हो चुकी है और देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, एकदम रबड़ी जैसी लग रही है। चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी वाली खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार बनाएं। जब आप बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको यकीन होगा कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। अगर आपको ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।